नमस्कार, मैं हूं कामदा कुमार मिश्रा। आप सभी का स्वागत है लाइव झारखंड ब्रेकिंग के बुलेटिन में। खबरों के प्रायोजक हैं फिजी रांची और परनामी ग्रुप। अब तक के मुख्य समाचार। अंतिम चरण के लिए 16 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। लुइस मरांडी, रणधीर सिंह समेत कई भाग का फैसला होगा कल। गढ़वा में 8वीं की छात्रा की मां बनने पर बवाल। एनसीएलटी ने दिया फैसला, साइरस मिस्त्री को हटाया जाना गलत। अब खबरें विस्तार से। अंतिम चरण के लिए कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण के मतदान में कल 16 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण में राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, सिकरीपाड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, नाला, जामताड़ा, सारठ, पढ़ेहाट, गोड्डा और महागामा सीट के लिए मतदान होगा। इसमें राजमहल, पाकुड़, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, सारठ, पढ़ेहाट, गोड्डा और महागामा में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदाता अपनी मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और सिकरीपाड़ा में सुबह 7 से अपराह्न 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि मतदान शुरू होने के 1.5 घंटा पहले मतदान कर्मी और मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र पर उपस्थित होना है। झारखंड विधानसभा 2019 के अंतिम चरण के चुनाव में अब 237 उम्मीदवारों के भाग का फैसला होना है। अंतिम चरण के चुनाव में मंत्री लुइस मरांडी, रणधीर सिंह समेत विधायक अनंत ओझा, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, सीता सोरेन समेत अन्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 16 में से 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 9 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 8वीं की छात्रा के मां बनने की खबर पर 19 आरोपी बनाए गए। गढ़वा जिले के मझियाओं प्रखंड में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 14 वर्षीय 8वीं क्लास की छात्रा के मां बनने का खुलासा होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आने पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC ने इसकी बारीकी से जांच की। इस मामले को सेक्स रैकेट जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जैविक पिता की पहचान कर ली गई है। इसकी पुष्टि के लिए DNA टेस्ट की अनुशंसा करने की तैयारी की जा रही है। जांच रिपोर्ट में विद्यालय की वार्डन के अलावा DSE समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा जिस घर में छात्रा और बच्चे के जैविक पिता मिलते थे, उस घर की मालकिन और उसके पिता को भी आरोपी बनाया गया है। खबर के मुताबिक छात्रा ने इसी वर्ष 28 जून को मझियाओं रेफर अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा एक NM के पास है। इधर छात्रा की मां बनने की खबर फैलते ही अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। 3 साल बाद साइरस मिस्त्री बनेंगे कार्यकारी अध्यक्ष। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को पद से हटाए जाने के गलत करार दिया। बोर्ड ने प्रबंधक के इस फैसले को गलत कहा, जिसमें N चंद्रशेखरन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। NCLT के फैसले पर 4 हफ्ते बाद अमल होगा। इस फैसले का टाटा सन सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके 3 साल बाद साइरस मिस्त्री के अपने पद पर बने रहने की संभावना बन रही है। 24 अक्टूबर 2016 में टाटा सन से हटाया गया था। और अंत में एक बार फिर मुख्य समाचार। अंतिम चरण के लिए 16 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। लुइस मरांडी, रणधीर सिंह समेत कई भाग का फैसला होगा कल। गढ़वा में 8वीं की छात्रा की मां बनने पर बवाल। NCLT ने दिया फैसला, साइरस मिस्त्री को हटाया जाना गलत। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में।